ये कल एक कजलीगढ़ किला है, जो साइड से एक शिव जी का मंदिर बना है। मेन जो कजलीगढ़ किला, उसमें तो हमारा होश रहता ही है कि कोई सैलानी या दर्शक अंदर ना जाए, पर्यटक बने। तो ये साइड में एक मंदिर है जहाँ से नीचे पहाड़ी पहाड़ी है। वहाँ से मंदिर के पुजारी ने ये बताया था कि 5:30 बजे 5 बच्चे और एक बच्ची लड़की जो नीचे गए हैं घूमने का बोल के और वो वापस आने का बोल के गए, तो अभी तक वो नहीं आए। उसने 5-6 बजे करीब हमको बताया, तो उसी समय मैंने यहाँ से फोर्स रवाना कर दिया था। एक सब इंस्पेक्टर यादव, रितेश यादव और बल, उनने काफ़ी वहाँ तलाश की 11-11:30 बजे तक, तो वो नहीं मिले। उसके बाद मुझे बताया और उसके परिजनों को भी, एक उनकी गाड़ी से स्लिप निकाली जिसमें मोबाइल वगैरह था, उनके परिजनों को भी सूचना दी। उनके परिजनों ने बताया कि ये बच्चे घूमने गए थे और जल्दी आने का बोले थे वो। फिर उनके परिजन आए और रात में करीब हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी DIG महोदय, SP साहब, चक्रवर्ती साहब, इन सबके निर्देशन दिया कि सर्चिंग करके इनको ढूंढा जाए। तब मैंने अपनी सर्चिंग पार्टी बनाई, एक SI और उनके परिजन, टार्च वगैरह बुला के हमने उसमें सर्चिंग की। नीचे पहाड़ी के उतरे और उतरने के बाद कम से कम हम 4 किलोमीटर गए और आवाज़ लगाते लगाते गए। टार्च वगैरह थी हमारे पास, हथियार भी थे कि बच्चों के साथ अनहोनी कोई घटना घटित ना हो जाए। हम 4 किलोमीटर अंदर गए जंगल में, पहाड़ी क्षेत्र में नीचे, तब एक बच्चे की आवाज़ आई। इधर से आवाज़ लगातार हम लगाते जा रहे थे, आवाज़ आई तब हमें थोड़ा सा लगा कि बच्चे हैं। और आधा किलोमीटर और आगे जाकर बच्चों की आवाज़ आने लगी। फिर हम गए और वहाँ बच्चे मिले, उनसे पूछा, 5 लड़के थे और एक लड़की थी बच्ची, उनसे पूछा कि भाई क्यों आ गए। बोले सेल्फी लेते थे, आए और रास्ता भटक गए। वो 5 किलोमीटर अंदर चले गए थे। वो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रात में ही सर्चिंग की और बच्चों को सकुशल 2:30 बजे करीब वापस अंदर जंगल से पहाड़ी मंदिर पे ले। बच्चे के साथ कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटी, उनके बातों से भी लग रहा था वो मात्र घूमने के उद्देश्य से आए थे और सेल्फी लेने के चक्कर में। वो ये बच्चे सुदामा नगर के थे और 10th से 12th क्लास में ही पढ़ते हैं। 18 से 19 20 साल उनकी करीब उम्र है।